पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। पत्ता पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। पत्ता पर्ण हरित की वजह से हरा होता है। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? उठिए, नीलू को लेकर गोरखपुर जाना है। गोरखपुर? वो किस लिए? अब आप तो नीलू का रिश्ता तय करने के लिए गए नहीं, इसीलिए मैंने एक दूसरा रिश्ता गोरखपुर में देखा है। लड़का अच्छा है, अगर नीलू उसको पसंद आ गई तो हम ये रिश्ता तय करके ही लौटेंगे। पर तुम ये गोरखपुर कब गई और ये रिश्ता कब देख लिया तुमने? वो मैंने नहीं, सोनिया गई थी, उसी की जान पहचान का लड़का है। लड़का भला है, अच्छा है, एक बड़ी कंपनी में काम करता है। हम सबको ये रिश्ता बहुत पसंद है। अब चलिए, जल्दी निकलना है हम लोगों को। नहीं, देखो मैं तुम लोगों की तरह सोनिया के फंदे में आने वाला नहीं हूँ। अरे वो लड़का कौन है, उसका चाल चलन कैसा है, कहीं वो भी सोनिया की तरह धूर्त निकला तो? अब बिना ये सब जाने समझे कैसे मैं अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे सकता हूँ भाई? मैं नहीं जाऊँगा। चुप रहिए, खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरों का क्या बर्दाश्त नहीं है। अरे इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है सोनिया ने, अपनी बेटी राज करेगी, राज, एकदम रानी बनकर रहेगी। देखो तुम लोगों ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली है, पर मैंने नहीं। अरे वो लड़की जब 2-3 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाई ना, तो एक लड़का थोप दिया तुम लोगों पर। अरे अरे वो लड़की गलत है, तुम लोगों को फंसा रही है वो। अच्छा, क्या करेगी वो फंसा कर? अरे क्या मिलेगा उसको, क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से, बोलिए जरा। अरे यही यही तो जानना है। अरे शराब पी पी के आपका दिमाग खराब हो गया है, जो ये उल जुलूल बक रहे हैं। उलझुलूल? मैं उलझुलूल बक रहा हूँ? बुलाओ जरा उसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कौन सही है कौन गलत ये अभी पता चल जाएगा। अच्छा, क्या करेंगे? अरे बुलाओ तो, खुद ही देख लेना मैं क्या करूँगा। बुलाती हूँ, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, इतना जान लीजिए। ऐसे उत्पादों को जमा कर लीजिए। आ गई सोनिया, अब पूछिए क्या पूछना है। ये लड़की वनस्पति विज्ञान पर रिसर्च कर रही है ना? मैं इससे वनस्पति विज्ञान पर कुछ सवाल पूछूंगा, अगर ये ठीक होगी तो सही सही जवाब दे देगी। अरे ये तो सोनिया बेटी के लिए बाएं हाथ का खेल है, जो पूछना है फटाफट पूछकर तसल्ली कर लीजिए। सोनिया बेटी फटाफट इनके सवालों का जवाब देकर इनका मुंह बंद कर दो, तो हम लोगों को गोरखपुर भी जाना है। जी जी माँ जी। इधर बैठो। अरे बैठो। तुमसे मेरा पहला सवाल ये है कि पत्ता हरा किस वजह से दिखता है? इधर उधर मत देखो, क्या हुआ? हाँ, दिमाग का फ्यूज उड़ गया? अरे उधर कोई भी हेल्पलाइन नहीं है, बोलो। Tree and plant giving one everything, food and the sun and from it giving an everything and oxy and the product and the it is green. मतलब हरा। अरे पूछिए जो भी पूछना है, मैं तो अंग्रेजी में ही जवाब दूंगी। क्या है कि मेरी पढ़ाई तो अंग्रेजी मीडियम में हुई है। अरे पूछिए ना, अब क्या हुआ? माँ जी मुझे लगता है कि मुझे शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब नीलू को दिखाने कल चलेंगे। अरे बेटी, कर दिया ना सब सत्यानाश, एक किताब के हाथ लग गई, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे। अगर पटना छोड़कर सम्राट किसी वजह से जाता है
उसके लिए भी सवाल जवाब हम आप ही से करेंगे। समझ गए ना? सम्राट से कहना कि वो पटना में ही रहे। उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा। सम्राट पटना छोड़कर नहीं जाएगा। इसी में हम सबकी भलाई। आखिर मास्टर मनोहर मेरी चौखट पर नाक रगड़ने आ ही गया। मैं तो तुम्हें समझाने आया था, पूछने आया था कि ये सब क्या कर दिया तुमने और क्यों किया, क्या हासिल हुआ तुमको? सुकून, शांति। दिल में जो आग लगी थी ना, वो कुछ ठंडी। तुम मुझे यहाँ लेक्चर देकर अपनी मास्टरी मत दिखाओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे क्यों राई का पहाड़ बना रही हो? तुम एक ऐसी घटना को तूल देकर बदला लेने पर उतारू हो गई जो अनजाने में घट गई थी। अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो मास्टर। तुमने गुनाह किया है, तुमने ही मारा है मेरे भाई को। बाबूजी, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहू, आज पता नहीं क्यों पूजा की बहुत याद आ रही है। जब से हम लोग गांव वापस आए हैं, उसकी कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं कैसी होगी वो। अजीब बात कर रहे हैं, पूजा एकदम ठीक होगी। दामाद बाबूजी पूजा के साथ हैं, वो पूजा का बहुत ख्याल रखते होंगे। हाँ बहू, पर मैं पूजा की सास रूपा की तरफ से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। उसके दिमाग में जो मैल जमा है वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। संयोग वश घटी ये घटना को पहाड़ बनाकर दूसरे लोगों के घर के साथ साथ अपना घर भी बर्बाद कर लिया उसने। बाबूजी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, अब उसके बारे में सोचकर अपना दिल मत दुखाइए। बहू, पूजा से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है बाबूजी, मैं पकवान बना देती हूँ, आप जाकर मिल आइए। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। रूपा के मन में मेरे प्रति नफरत है, बेवजह विवाद होगा। प्रभाकर को भी नहीं भेज सकता, गरम दिमाग है, लड़ाई झगड़ा कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बहू, ऐसा करो तुम चली जाओ। मैं? अजीब बात करते हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं, ठीक रहेगा बाबूजी, निशा दीदी भी तो जा सकती हैं,
मैं जाऊंगी तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। खाना वाना कौन पकाएगा? तुम यहाँ की चिंता मत करो, एक दो दिन की बात है, शीला मौसी आकर खाना बना देंगी। रहा बड़ी बहू को भेजने की बात, तो वो काम नहीं कर पाएगी जो तुम कर सकती हो। तुम पहले भी वहां जाकर पूजा के मन की बात निकाल चुकी हो, वो तुमसे ज्यादा सहज है। ठीक है बाबूजी, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। बहू, पूजा की पसंद का कुछ पकवान बना कर ले जाना। जी। अरे दीपक जी, ये क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस। सोनिया जी, सोनिया जी, अब मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, अब जब आप कहेंगी तो घुमाने के लिए गाड़ी पर बिठा कर घुमा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, वो शादी के सामान के लिए बड़ी सी लिस्ट भैया के पास भेजनी थी, भेज दी है ना? भेज देती, पर क्या? हमारी विवाह में एक अड़चन है। कैसी अड़चन? लगता है कि हमारा विवाह अब नहीं हो सकता। क्यों? क्या हो गया? मेरे भैया चाहते हैं कि हमारा विवाह किसी बड़े बिजनेसमैन से हो। पर मैंने भैया से तो साफ साफ कह दिया है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ दीपक जी से ही करूंगी। तो भैया ने कहा ठीक है, लेकिन विवाह के खातिर दीपक को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने भी भैया से बोल दिया कि दीपक जी हमारे लिए तो कुछ भी छोड़ सकते हैं, तो ये नौकरी कौन सी बड़ी बात है? मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से घूस वूस खिलाया पिलाया तब जाकर सरकारी नौकरी मिली है, ये मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, हमारा भी मिलन नहीं हो सकता। मगर ये नौकरी छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे दीपक जी, हमारे विवाह के बाद मुझे जो 3-4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, वो किसके होंगे? किसके? आपके। और आप सोचिए, जिसके बैंक में 3-4 करोड़ रुपए होंगे, वो ये छोटी मोटी मामूली सी चपरासी की नौकरी करेंगे? हाँ नहीं, आप कोई व्यापार कर लीजिएगा। आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो हम दोनों मिलकर एक व्यापार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने। तो इसके लिए आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दूंगा, सुबह से शाम तक एड़ी रगड़ रगड़ कर, साइकिल चला चला कर, बड़ा बाबू की डांट सुन सुन कर, तब जाकर महीने में 1670। विवाह के बाद कितने पैसे मिलेंगे बोला आपने? 3-4 करोड़ रुपए। पीप 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 पीप, ड्राइवर गाड़ी निकाल। अभी तो ये शुरुआत है।